नहीं देखिए, पवार साहब को जो कहना है वो थोड़ा गलत तरीके से आपने सामने लाया है। पवार साहब विपक्षी एकता के लिए, मजबूती के लिए डटे रहे, काम करते आए हैं, अभी भी कर रहे हैं। बीजेपी के खिलाफ 1-to-1 उम्मीदवार होना चाहिए, ये उनकी भूमिका है। बात रही महाराष्ट्र की, तो महाविकास आघाड़ी के उपप्रमुख नेता और मार्गदर्शक है, बहुत सीनियर लीडर है, और उनके लीडरशिप में, उद्धव ठाकरे जी के लीडरशिप में, सोनिया जी के लीडरशिप में महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र में जो गठबंधन है वो आज है और कल भी रहेगा। सर 2024 मान के चले कि डेफिनेटली रहेगा, डेफिनेटली। सर क्या ये जानबूझ के इस प्रकार से बीजेपी कोई षड्यंत्र? ये बीजेपी का षड्यंत्र है। सर आज नीतीश कुमार जो है अखिलेश यादव और ममता बनर्जी से मुलाकात करें एकजुट के लिए, ताकि अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं, हम स्वागत करते हैं, और हम भी जल्दी ही ममता जी से मिलने वाले हैं। आपने कल एक स्टेटमेंट दिया था जलगांव में कि डेथ वारंट जारी हो चुका है। हाँ जी हाँ, हिंदी में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए, इसको जरा हिंदी में बता दीजिए। ये आज जो सरकार चल रही है ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाली, बीजेपी नहीं चाहती कि सरकार ज्यादा दिन चले। जितने दिन सरकार सत्ता पे रहेगी बीजेपी खत्म हो जाएगी, बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान ये सरकार से हो रहा है। सीएम बदलेंगे या सत्ता जाएगी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सीएम बदलना यानी सरकार बदलना ही होता है। जब सीएम बदलते हैं तो समझ लो सरकार बदल जाती है। क्यों ऐसा आपको लग रहा है? आप जाकर पूछिए और लोगों से, जो मैं बोल रहा हूँ उसमें सच्चाई है क्या नहीं, आप जाकर पूछिए आज के मुख्यमंत्री से, कितने तनाव में है, बैठे हैं थाने में जाकर। कोई जाता क्या मंत्रालय में आजकल? आप जाकर पूछिए देवेंद्र जी को,